मॉर्निंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपवंचित बालक। क्या होते हैं अपवंचित बालक? अपवंचित बालकों के प्रकार, अपवंचित बालकों के लक्षण। आप सब जानते हैं बच्चों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपवंचित बालकों को भी शामिल किया गया है। तो क्या होते हैं अपवंचित बालक? देखो, अनुसूचित जाति व जनजाति एससी और एसटी, पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, घुमंतु वर्ग जैसे आपने देखा होगा बाहर भी गाड़ी लुहार जो होते हैं, कई ऐसी जातियां जो घुमक्कड़ जातियां हैं, श्रमिक वर्ग, ये जो आते हैं वो अपवंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इन वर्गों के जो बालक होते हैं बच्चों, उनको अपवंचित बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कौन कौन से बालकों के बारे में पढ़ा था? दृष्टि बाधित पढ़ा, इसके बाद आपने स्वर्ण बाधित बच्चों के प्रकार पढ़े, पढ़े या नहीं पढ़े? तो दृष्टि बाधित और स्वर्ण बाधित बच्चे भी समावेशी शिक्षा का हिस्सा माने जाते हैं। वैसे ही अपवंचित बालक को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन समावेशन से पहले हमें ये समझना होगा कि अपवंचित बालक कौन कौन से होते हैं। देखो, अपवंचित बालक का वाला जो टॉपिक है बच्चों, वो सीटेट, रीट और आपके प्री एमएड वाला जो एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें भी आपकी ये टॉपिक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप चाहते हैं कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो तो वीडियो देखते रहिए और इसको साथ में कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए बच्चों, अपवंचित बालक समाज का वह वर्ग जो कथित रूप से पिछड़े होने के कारण पढ़ने और लिखने और आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रह जाता है, वो बच्चा क्या कहलाता है? बच्चों, वो बच्चा अपवंचित बालक की श्रेणी में आता है। समाज का वह वर्ग जो कथित रूप से पिछड़ा होने के कारण पढ़ने, लिखने और आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रह जाता है, वो बच्चा अपवंचित बालक की श्रेणी में आता है। अब बात आती है कि अपवंचित बालक में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, मतलब यह है कि क्लास में टीचर किन किन चीजों को देखकर बता सकता है कि ये बालक अपवंचित बालक की श्रेणी में आता है। अब आप देखो, निम्न महत्वाकांक्षा, आप सबको पता है जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब होती है उसकी महत्वाकांक्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, जिन शिक्षकों के द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है, उसका आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जिस समाज से, जिस परिवार से वो बिलोंग करता है बच्चों, उसके कारण उसकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा नहीं होती। महत्वाकांक्षा जैसे गांव में रहने वाला एक जो व्यक्ति होगा वो संतुष्ट होगा, शहरी क्षेत्र का इंसान जो है उसकी उच्च महत्वाकांक्षा होती है, जबकि गांव का एक ही उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन होना, जबकि यहाँ के लोग रोजगार चाहते हैं और रोजगार के साथ अर्थोपार्जन भी चाहते हैं। लेकिन गांव का जो संतुष्ट बच्चा व्यक्ति होगा उसका मैन होगा मेरी जीविका चल जाए। वैसे ही इन बच्चों की भी महत्वाकांक्षाएं कैसी रहती है? निम्न होती है। निम्न शैक्षिक उपलब्धि, आप सब जानते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा नहीं होती, तो ये बच्चे पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एक केवल स्कूल में आना और जाना, बस इनका जो शैक्षिक उपलब्धि होती है, मतलब अगर जिस बच्चे की महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी तो उसका टारगेट नहीं होगा, और टारगेट नहीं होगा तो वो क्लास में अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाएगा। तो निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है अपवंचित बालकों की। फिर आता है निम्न व्यक्तित्व विशेषताएं। अब आप समझ सकते हो कि जो बच्चा होगा उनमें अस्थिरता, अति उत्साही, समूह पालक और न्यून बहुमुखी,
मतलब बच्चों ये है कि जो आपका अपवंचित बालक होगा वो क्लास में भी बच्चों से अलग थलग रहेगा, वो बच्चा सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, वो बच्चा संप्रेषण कौशल का विकास नहीं कर पाएगा, वो क्लास में समायोजित नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चे का व्यक्तित्व होता है वो निम्न होता है, किसी को भी आकर्षित नहीं करता है। तो जिस बच्चे में निम्न महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस बच्चे की निम्न शैक्षिक उपलब्धि है, जिस बच्चे का निम्न स्तर का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व परसोना से बना है, मतलब ये है कि उस मनोदेही गुणों से है। अल्पोट ने इसकी सबसे सुंदर परिभाषा दी है व्यक्तित्व की, किसने दी थी, अल्पोट ने। अल्पोट ने कहा था मनोदेही गत्यात्मक स्वरूप है जो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखा देता है, जो आपके आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों का जो मुखटा होता है उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व मनुष्य का न केवल बाहरी मुखटा होता है जबकि उसमें जो अंतर्निहित गुण है वो भी व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं। तो जो अपवंचित बालक है बच्चों, उन बच्चों की जो व्यक्तित्व होता है वो निम्न स्तर का होता है, वो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होता, वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप में हीन भावना उनके अंदर मौजूद होती है। अब बच्चों आता है क्या, अस्थिरता। वो अस्थिर बच्चे होते हैं, उनमें समायोजित नहीं हो पाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उस बच्चे में, प्लायन करने की प्रवृत्ति रहेगी, क्लास में बच्चों के सामने नहीं बोल पाएगा, टीचर के सामने नहीं बोल पाएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चों वो अस्थिर होता है। अति उत्साही, मतलब ये है कि उन बच्चों में अति उत्साह होगा, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है उस पर ध्यान नहीं देकर अति उत्साह में वो चीजें गलत कर जाते हैं। समूह पालक मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति और जनजाति का बच्चा है तो वो क्या होगा, समूह पालक होगा, अपनी जाति के प्रति कट्टर होगा, अपनी जाति का अनुयायी होगा। ठीक है बच्चों, न्यून बहिर्मुखी, जो सब उसके समूह के रीति रिवाज है, अगर उनकी समाज या उनका परिवार घुमक्कड़ है तो वो उसी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। न्यून बहिर्मुखी, वो बहिर्मुखी नहीं होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो व्यक्तित्व ने जुंग ने इसने दी थी, जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए बच्चों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ध्यान रखना इसको, ये साइको है, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है। जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में बताया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे वो होते हैं जो लेखक, कलाकार, कवि अपनी बातों को संप्रेषित नहीं करते, जल्दी से घुलते मिलते नहीं है, टीचर को से प्रश्न नहीं पूछते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं बच्चों अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। बहिर्मुखी जो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सामाजिक संप्रेषण कौशल जिन बच्चों में होता है, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं बच्चों वो बहिर्मुखी बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो जुंग ने दो बताए व्यक्तित्व के प्रकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो आपके अपवंचित बालक होते हैं उनमें बहिर्मुखी नहीं होते हैं, वो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, अंदर ही अंदर अपनी बातों को दबा करके रखते हैं, वो अपनी बात को नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं अपवंचित बच्चे। तो पहला आपने ये हो गया अनुपयुक्त आत्मसंप्रत्यय। क्या होता है आत्मसंप्रत्यय? आत्मसंप्रत्यय का मतलब होता है अपने माइंड में एक छवि बना लेना। ये मनोविज्ञान का सबसे अच्छा टॉपिक है बच्चों, आत्मसंप्रत्यय। आत्मसंप्रत्यय का मतलब है अपने दिमाग में किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति अपना एक क्या बन जाता है, व्यूज बन जाते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति है कि वो बच्चा अच्छा है, वो बच्चा अच्छा नहीं है, उस बच्चे के बारे में अपन एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि वो बच्चा कैसा है, उसकी सोच अपने बारे में कैसी है। तो ये सब जो है वो आत्मसंप्रत्यय के अंतर्गत आता है, मतलब उसका दूसरों के प्रति जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है, वो अपने माइंड में
कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता है, मानसिक संरचना स्थापित नहीं कर पाता है, उसी को बोलते हैं मित्रों मानसिक संप्रत्य स्थापित नहीं कर पाता है। वो बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं बच्चों वो किसके अंतर्गत आते हैं, अपवंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब आता है बौद्धिक मंदता, ये बच्चे ज्ञान नहीं देते हैं, विकास की गति इनकी धीरे धीरे होती है, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अति उत्साही होते हैं, जिसके कारण ये अधिगम नहीं कर पाते हैं। तो बौद्धिक रूप से मंद होते हैं, ये बात मतलब ये अधिगम क्षमता जो है इनकी कम होती है, ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। सामाजिक कुशलता का अभाव, मैंने आपको ऊपर बताया समूह पालक होते हैं, ये अपनी जाति के कट्टर होते हैं, तो इनमें सामाजिक कुशलता का क्या होता है, अभाव होता है, ये सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, सामाजिक संप्रेषण नहीं होते, विद्यालय संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण इन बच्चों में सामाजिक कुशलता का बच्चों अभाव पाया जाता है। कौन से बच्चों में, अपवंचित बालकों में। फिर आता है बच्चों भाषा विपन्नता, आप जानते हो स्कूलों में कई बच्चे अलग सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जब आपको पता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो या तो इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है या हिंदी कन्वर्सेशन होता है, लेकिन वो बच्चा हिंदी का उच्चारण भी सही तरीके से नहीं कर पाता है, मारवाड़ी बोलता है या अपनी घरेलू लैंग्वेज बोलता है, शेखावाटी ढूंढाड़ी जो भी राजस्थानी लैंग्वेज है या बाहर की लैंग्वेज है उन सबको यूज कर रहा है, वो सही तरीके से भाषा का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है बच्चों वो कौन सा बच्चा है, अपवंचित बालक की श्रेणी में आता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, अपवंचित बालक में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। निम्न महत्वाकांक्षा, इनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा नहीं होती है, निम्न शैक्षिक उपलब्धि, ये अच्छे अंक लाने की कोशिश नहीं करते हैं। निम्न व्यक्तित्व विशेषताएं, इनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होती, प्लायन प्रवृत्ति, भय, चिड़चिड़े, क्रोधी, इस स्वभाव के बच्चे होते हैं बच्चों, कौन से, अपवंचित बालक। फिर आता है अस्थिरता, ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, अति उत्साही समूह पालक और बहिर्मुखी नहीं होते हैं, मतलब अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इन बच्चों में नेतृत्व क्षमता का अभाव होता है, इनका सामाजिक गतिविधियों में ये बच्चे भाग लेना नहीं चाहते हैं। तो अनुपयुक्त आत्मसंपत्ति, मैंने आत्मसंपत्ति के बारे में बताया था, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपनी मानस में एक छवि बना लेना ही आत्मसंपत्ति कहलाता है। मनोविज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जब मैं आत्मसंपत्ति पढ़ाऊंगी तब इसकी डिटेल आपको समझाऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में भी बताया कि व्यक्तित्व की सबसे सुंदर परिभाषा किसने दी है, ऑलपॉट ने दी है। किसने दी है बच्चों, ऑलपॉट ने दी है। और इसके अलावा व्यक्तित्व को जुंग ने दो भागों में बांटा था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। किसको कितने भागों में बांटा था जुंग ने, दो भागों में, अंतर्मुखी लेखक है, इसके अलावा आपके कवि है, ये सब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे, जबकि बहिर्मुखी, नरेंद्र मोदी क्या है, बहिर्मुखी, कौन है, बहिर्मुखी। तो जिनमें लीडरशिप का गुण होता है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना अच्छा लगता है, रचनात्मक क्रिएटिविटी, मतलब ज्यादा जो माइंडेड होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, वैज्ञानिक जो है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, जबकि एक नेता होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला इंसान होता है। तो ये हो गया, सामाजिक कुशलता का अभाव होता है और भाषा की विपन्नता, भाषा में कमजोरी, उच्चारण क्षमता में कमजोरी, वाणी में कमजोरी इन बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये समझ में आ गया क्या, अपवंचित बालकों के लक्षण। अब आता है बच्चों अपवंचित बालकों को हम तीन दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक और शैक्षिक रूप से वंचित बालक। अपवंचित बालकों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, सामाजिक रूप से अपवंचित, आर्थिक रूप से अपवंचित और शैक्षिक रूप से अपवंचित बालक, हम तीन भागों में इनको बांट सकते हैं। वो क्या क्या है बच्चों देखो, हाँ, सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन होते हैं, सामाजिक रूप से जो गरीब है, जहां पर मां बाप पढ़े लिखे नहीं है,
परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसे बालक जो होते हैं वो सामाजिक रूप से अपवंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक रूप से वंचित कौन होते हैं? जिन बच्चों के माँ बाप गरीब हैं, जिन बच्चों में अशिक्षा है, माँ बाप अशिक्षित है, लिटरेट है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, परिवार का माहौल ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चे सामाजिक रूप से वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो सामाजिक रूप से जो वंचित बालक है वो सामाजिक रूप से निम्न होते हैं। मैंने आपको लक्षणों में बताया भी था, निम्न बहिर्मुखी वाले होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भाषा विपन्नता नहीं होती, सामाजिक कुशलता इन बच्चों में नहीं होती है, ये सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, विद्यालय संस्कृति का ये बच्चे हिस्सा नहीं बनते हैं, तो सामाजिक रूप से ये निम्न होते हैं। सांस्कृतिक रूप से निम्न, सांस्कृतिक वही है कि जब भी विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधि का आयोजन होता है, जैसे मनोरंजन, अभिनय, नाटक, वाद विवाद, संगीत, ये सब का जो आयोजन होता है उसमें ये बच्चा भाग नहीं लेता है, सोशल एक्टिविटी में ये बच्चा भाग नहीं लेता है, तो सांस्कृतिक रूप से भी ये बच्चा क्या रह जाता है? निम्न रह जाता है। जो बच्चा सामाजिक रूप से निम्न है, जो बच्चा सांस्कृतिक रूप से निम्न है, वो सामाजिक रूप से वंचित बालक की श्रेणी में आता है। घर का माहौल बिगड़ा हुआ, आप जानते हो कई गुमंतोस जो श्रमिक जातियां हैं उनके जो परिवार है उनका माहौल लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारना पीटना, पड़ोसियों का एक दूसरे से लड़ना, तो उस माहौल का भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के आसपास का वातावरण और उस घर का वातावरण उस बच्चे पर बहुत बड़ा असर करता है। तो अगर बच्चा घर के माता पिता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, घर के परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो बच्चा सामाजिक रूप से पिछड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ का घर का माहौल क्या है बच्चों? बिगड़ा हुआ है। तो घर का माहौल अगर बिगड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से निम्न है, सांस्कृतिक रूप से निम्न है बच्चों, तो वो बच्चा अपवंचित बालक की श्रेणी में आता है। फिर आता है पड़ोस व साथियों का दुष्प्रभाव, बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों। आप जानते भी हो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बच्चा अपनी मित्रता पर भरोसा करता है, अपने माता पिता से ज्यादा किस पर भरोसा करता है? अपने मित्र पर भरोसा करता है। अगर उसका मित्र ही गलत संगत में है तो उसको गलत संगति में डाल देगा, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये सब जो पदार्थ है वो खाने लग जाएगा, गलत कार्य करने लग जाएगा, चोरी करने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा अगर पड़ोस व साथियों का पड़ोस अच्छा नहीं है, उसके साथी या मित्र सही नहीं है, तो भी वो बच्चा सामाजिक रूप से वंचित बालकों की श्रेणी में आता है। फिर आता है बच्चों संवेगात्मक रूप से अस्थिर। मैंने आपको बताया था गयों में पलायन प्रवृत्ति रहती है, कई बच्चे भयभीत बहुत जल्दी हो जाते हैं, अंदर से डर बहुत लगता है, उनमें संप्रेषण पोषण नहीं है, जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी से अति उत्साही हो जाते हैं, तो संवेग इनके स्थिर नहीं रहते हैं, संवेग इनके बार बार में बदलते रहते हैं, संवेगों पर इनका कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे सामाजिक रूप से वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो सामाजिक रूप से वंचित कब रहते हैं? अगर सामाजिक रूप से निम्न है। आप जानते हो बच्चों कि हमारा जो समाज है घुमंतु जातियां आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज से कटी हुई है, आदिवासी जनजातियां हैं वो सांस्कृतिक रूप से हमारे से जुड़ी हुई नहीं है, सामाजिक रूप से हमारे से जुड़ी हुई नहीं है। घर का माहौल अगर उपयुक्त नहीं है, पड़ोस व साथी अगर अच्छे नहीं है, या संवेगात्मक रूप से बच्चा अस्थिर है, तो वो सामाजिक रूप से वंचित बालकों की श्रेणी में आता है। फिर आता है बच्चों आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। कौन होगा? जिस बच्चे के माँ बाप गरीब होते हैं, जिनको दो वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है, जिनके माँ बाप कमाते नहीं हैं, तो उन बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा होटल रेस्तरा कारखानों में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके माता पिता गरीब हैं और हमारे समाज की आर्थिक असमानता,
आप सब जानते हो बच्चों कि आज भारत में पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब कहाँ निवास करते हैं? भारत में निवास करते हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विकास की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा योगदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर आपका चाइना, ये जो विश्व अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारी भारत की इकोनॉमी है। बट यहाँ पर आय की असमानता है, यहाँ पर जो मनी है, पैसा है, वो कुछ लोगों के पास में जमा है, बाकी जनता साधारण है। तो ये आय की जो असमानता है वो हर विद्यार्थी में डिफरेंस कर देती है। वो कैसे? जिसके माता पिता अच्छी कमाई करने वाले हैं, अच्छे कमाते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छे विद्यालय में उनका एडमिशन होता है। लेकिन जो गरीब बच्चा है वो देखता है कि एक अमीर बालक जो है उसको कितनी सुख सुविधाओं का मिल रही है, जबकि उनको कुछ भी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है, तो उसको समाज से काट देती है। समाज को वो अपने आप से अलग समझने लग जाता है कि इस समाज में आय की असमानता है, गरीब व्यक्ति का, गरीब बच्चे का कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिसके कारण उसमें महत्वाकांक्षाएं अस्थिर हो जाती है, वो बच्चा संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है, वो बात बात में क्रोधित हो जाता है, वो बच्चा भाषा विपन्नता का शिकार हो जाता है, वो बच्चा सामाजिक रूप से जो भी गतिविधि हो रही है विद्यालय संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो गरीबी व आर्थिक असमानता आर्थिक रूप से वंचित बालकों के अंतर्गत विद्यालय जाने में असमर्थ। वही बात है, अगर बच्चे के माँ बाप गरीब है तो बच्चा विद्यालय नहीं जा पाएगा, क्योंकि बुक्स लानी है, ड्रेस लानी है, शूज लाने हैं, बैग लाने हैं, उनमें खर्चा करने के लिए अगर माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके पास में पैसा नहीं है, तो वो बच्चे को पहले रोजी रोटी कमाने के लिए भेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कमाने के लिए भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज के रोजी रोटी कमाने के लिए भेज देते हैं। तो वो बच्चे जो विद्यालय जाने में असमर्थ है, उन बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर बालक की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आता है बच्चों परिवार में खाने में रहने का भाव। अगर बात वही है कि बच्चा तब पढ़ेगा जब वह मानसिक व शारीरिक रूप से शांत होगा, जब उसको पता है मेरे परिवार में खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो वो बच्चा रोजी रोटी कमाने की सोचेगा, विद्यालय नहीं जाना चाहेगा। तो परिवार में खाने व रहने की अगर सुविधा है तो ही बच्चा विद्यालय जाएगा, तो ये उस पर नेगेटिव असर पकड़ता है और बच्चा अपवंचित रह जाता है, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाता है। धन के अभाव में आप सबको पता है कि एक बच्चा है अपवंचित है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन धन के अभाव में वो ना तो डॉक्टर बन पाता है ना ही वो बच्चा इंजीनियर बन पाता है। तो उच्च आकांक्षा है लेकिन क्या नहीं है, धन का अभाव है, तो वो बच्चा समाज से कटके रहने लग जाता है, सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो ऐसे बच्चे जो अवसरों से वंचित रह जाते हैं, वो बच्चे, मतलब उनमें क्वालिटी है, उच्च महत्वाकांक्षा है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में क्या नहीं है, अवसर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। जिन बालकों में गरीबी, हमारे समाज की गरीबी व आर्थिक समानता, विद्यालय जाने में असमर्थ, परिवार में खाने व रहने का अभाव, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले बच्चे, ये बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है बच्चों शैक्षिक रूप से वंचित बालक, निम्न शैक्षिक उपलब्धि, वो मैंने सामाजिक में भी बताई थी कि जो अपवंचित बालक होते हैं उनका रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की उपलब्धि बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि वो दिग्विपन्नता रहते हैं,
घर का माहौल ठीक नहीं रहता है, परिवार में खाने के लिए रोटी नहीं होती है, तो वो बच्चा शैक्षिक उपलब्धियों पर, शिक्षा पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं स्कूल से जाके आने के बाद में भी काम पर जाते हैं, तो वो बच्चा उतना क्वालिटी कहाँ दे पाएगा जो बच्चा घर पे जाकर के होमवर्क कर रहा है, उसको समझाने वाले उसके पेरेंट्स अगर शिक्षित है। अब आपको पता है कि यहाँ पर गरीब है तो माँ बाप भी अशिक्षित है, माता पिता अशिक्षित है, तो वो बच्चे को घर पे पढ़ाते भी नहीं है, और घर पे अगर बच्चे को नहीं पढ़ाते तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कैसी रहेगी बच्चों, निम्न रहेगी। फिर आता है बच्चों क्या, अंतर्मुखी। मैंने आपको बताया भी था अवसर अगर बच्चे को उपलब्ध नहीं होंगे, आपको आपने बता दिया अनुच्छेद 15 सुना होगा, संविधान का अनुच्छेद 15 में साफ रूप में कहा है कि अगर कोई बच्चा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसको विशेष क्या दिए जाएगी, सुविधा। कायनिका अनुच्छेद 15 कहता है, 15 में जोड़ा गया, संविधान संशोधन किया गया, वैसे कहा गया कि किसी भी जाति नस्ल जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 15 सी में ये बात कही गई है कि अगर बच्चा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उस बच्चे को अवसर दिए जाएंगे। और 16 चार में इनके लिए किसकी व्यवस्था की गई बच्चों, आरक्षण की व्यवस्था की गई, और इन्हीं के लिए है आज हमारा आरक्षण अपवंचित बात। तो अंतर्मुखी होते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनमें महत्वाकांक्षा नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इनमें असुरक्षा, अब आपको पता है माता पिता के पास इनकम नहीं है, इधर आपको टीचर जो समझा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, होमवर्क नहीं कर पा रहे, तो इनके मन में हमेशा भय की स्थिति बनी रहती है, सुरक्षा का भाव, डर का माहौल बना रहता है। किन बच्चों में, अपवंचित बालकों में। समायोजन की समस्या, ये तो मैंने आपको बताई दी, घुमंतू जाति का बच्चा अपनी जाति से आया है, अपने रीति रिवाजों से आया है, अगर उसको सामान्य विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा तो वो बच्चा उस माहौल में नहीं ढल पाएगा, वो उस माहौल को समायोजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आएगी, उनके खेल कूद में शिक्षक की भाषा कई जगह उसको समस्या आएगी, वो विद्यालय संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो समायोजन की समस्या रहती है, खराब आदतों के शिकार, मैंने बताया भी था अगर कोई अपवंचित बालक है और वो रोजी रोटी मतलब स्कूल से जाने के बाद में कुछ काम करता है तो वो बच्चा धीरे 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 खराब आदतों का शिकार हो जाता है। तो खराब आदतों के शिकार हो जाते हैं, स्मृति व रुचि पर प्रभाव। अब आपको पता है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चे की किसमें रुचि होगी, उसकी स्मृति शक्ति धीरे 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 कमजोर हो जाती है। स्मृति के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, लड़कियों की स्मृति शक्ति अच्छी होती है और लड़कों की स्मृति शक्ति उतनी, रटने की प्रवृत्ति जो है वो किसकी ज्यादा होती है, लड़कियों की। स्मृति जो है 3 प्रकार की होती है, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, स्मृति क्या है, अवधान क्या है, आपका आत्मसंप्रत्यय क्या है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, जो आपके रीट और आरटेट दोनों के लिए क्या होगा बच्चों, फायदेमंद साबित होगा। तो ये आपने देखी शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन कौन से होंगे, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न होगी, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होंगे, समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, असुरक्षा की भावना जिनमें होगी, समायोजन की समस्या होगी, खराब आदतों के जो बच्चे शिकार होंगे, और स्मृति व रुचि जिन बच्चों में नहीं होगी, स्मृति का अभाव होगा, रुचि किसी भी काम में नहीं लेंगे, तो वाद विवाद में भाग नहीं ले रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अपवंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो अपवंचित बालक के प्रकारों को हम 3 भागों में बांटेंगे, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। सामाजिक रूप से वंचित में सामाजिक रूप से निम्न, सांस्कृतिक रूप से निम्न, घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव,
पड़ोस व साथियों का दुष्प्रभाव, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, आर्थिक में गरीबी व आर्थिक असमानता, विद्यालय जाने में असमर्थ, परिवार में खाने व रहने का अभाव, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों में निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पाते, असुरक्षा की भावना रहती है, समायोजन की समस्या रहती है, खराब आदतों के शिकार होते हैं और स्मृति व रुचि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपवंचित बालकों के प्रकार और उनके लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धीमी गति से सीखने वाले बालकों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपवंचित बालक क्या है? वो बालक जो कथित रूप से पिछड़े होने के कारण पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रह जाए, वो बच्चे अपवंचित। देखो बच्चों, अपवंचित बालक और पिछड़े बालक में फर्क है, ध्यान रखना बच्चों, अपवंचित बालक और पिछड़े बालक में फर्क है। ये फर्क ही मैं इन वीडियोस में आपको समझाऊंगी। पिछड़े बालक कौन से होते हैं, अपवंचित बालक कौन से होते हैं, दृष्टि बाधित बालक कौन से होते हैं, श्रवण बाधित कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम सभी वीडियोस में देखेंगे। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आपको मेरी बात सुननी है क्या, कि आपको जो मैं बोर्ड पे नोट्स लिखवा रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ये शॉर्ट नोट्स आपको बीएड सेकेंड ईयर के लिए काफी लाभदायक होंगे, सीटेट रीट इनके लिए भी काफी लाभदायक होंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, लाइक्स करें, व्यूज दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दें। धन्यवाद।